यूपी के संभल में एक 12वीं की छात्रा को अकेला पाकर गांव के युवक ने लड़की से छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई है। पीड़ित छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसके साथ मारपीट की और मौका देखकर भागने लगा। पीड़ित छात्रा की आवाज़ सुनकर जब उसके पिता मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने उनके सर में डंडा मारकर जान से मारने की धमकी दी और वहां से फरार हो गया। पीड़ित छात्रा ने अपने पिता के साथ थाने पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत की, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस को पता लगा कि आरोपी उसी थाने के चौकीदार का बेटा है। इसके बाद थाना SO मामले को दबाने का प्रयास किया और पीड़ित को धमकाया, लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पापा का नाम? अच्छा, किस गांव की रहने वाली हो? छपरा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? इंटर। क्या हुआ था आपके साथ जो आज आपके हाथ में देखा जा रहा है, मुंह से कांटे का निशान है? मैं अपने जानवरों के लिए पानी पिला रही थी। एक गांव का लड़का चौकीदार का धर्मेंद्र नाम का, उसने मेरे साथ कुछ बदतमीजी की थी। मैंने चीख पुकार की तो पापा आए मेरे घर से, तो पापा के सर में डंडा मार दिया और पापा ने मेरा हाथ छोड़ा या मेरे हाथ में काट लिया। मैं दूसरे घर में था तो मैं वहाँ से भाग कर आया, तब तक मेरी लड़की मतलब काटी थी और जब मैं शोर शराबा सुना, अपनी लड़की की चीख पुकार सुनी थी, तो उस लड़के ने मेरे सर में एक डंडा भी मारा और लड़की के भी डंडा मारा और जान से मारने धमकी देकर वो भाग गया। छात्रा का आरोप है कि आरोपी युवक काफी दिनों से उसको परेशान कर रहा था, मगर आज उसने छात्रा को अकेले देख उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहा। अब देखना होगा कि कब तक आरोपी को इस अपराध की सजा मिलती है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाएगा। कपिल वार्ष्णेय, आपका न्यूज़ उत्तर प्रदेश।